Hello students, today we will discuss the second part of the chapter Molecular Basis of Inheritance. तो आज हम क्या पढ़ेंगे Hersey and Chang experiment. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, जो ब्रूस्ट एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में पढ़ा था. तो बात करते हैं किसके Hersey and Chang experiment. इन्होंने क्या किया था कि जो वायरस है, ठीक है, किसके ऊपर, जो वायरस है, ठीक है, वायरस के ऊपर क्या किया था कि इन्होंने वर्क किया था, ठीक है. ये वायरस क्या करते थे कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे, ठीक है. तो ये क्या बन गया, बैक्टीरियोफाज. और जो बैक्टीरियोफाज क्या होता है कि बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है और अपने जेनेटिक मेटीरियल किसको दे देता है, बैक्टीरिया को, ठीक है. तो क्या किया कि इन्होंने मतलब कुछ वायरस को ग्रो करवाया, ठीक है. Hersey and Chang ने क्या किया कि कुछ वायरस को ग्रो करवाया, ठीक है, एक मीडियम में. एक मीडियम था जो कि सल्फर कंटेन करता था, ठीक है. सेकंड मीडियम क्या था कि जो कि फॉस्फोरस कंटेन करता था, ठीक है. जो ये वायरस आया सल्फर वाला, ये मीन्स क्या कह रहा है कि प्रोटीन कंटेन करता है. प्रोटीन क्यों कंटेन करता है, बिकॉज क्या कह रहा है कि प्रोटीन किससे मिलके बने, मतलब सल्फर क्या होता है कि प्रोटीन का एक कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है. और जो फॉस्फोरस होता है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी वायरस ने क्या किया है कि फॉस्फोरस कंटेन किया है, तो मींस क्या है कि उसके पास डीएनए है. डीएनए क्यों है, बिकॉज क्या कह रहा है कि वो डीएनए, मतलब डीएनए किससे मिलकर बना होता है, फॉस्फोरस से. मैंने बताया था किस किस से, सुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से और न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है. ये था मीन्स Hersey and Chang क्या कह रहे हैं कि वो वायरस के ऊपर वर्क करते थे और वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को. तो वो क्या हो गया, बैक्टीरियोफाज हो गया, ठीक है. और वो बैक्टीरियोफाज क्या करता है कि जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो क्या कर देगा कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसको दे देगा, बैक्टीरिया को दे देगा, ठीक है. सेकेंड थिंग क्या है कि Hersey and Chang ने क्या किया कि कुछ वायरसेस को क्या करवाया कि एक मीडियम में ग्रो करवाया, ठीक है. एक मीडियम हमारे पास क्या था कि जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन करता है. सेकेंड मीडियम क्या था कि जो क्या कंटेन करता है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है. जिस वायरस ने क्या किया कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन किया, तो उसके पास क्या थी कि प्रोटीन की कैप्सूल थी, ठीक है. जो आउटर कवरिंग होती है वायरस की, उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल. और वो कैप्सूल किससे मेडअप ऑफ थी, प्रोटीन से मेडअप ऑफ थी, ठीक है. सेकेंड क्या कह रहा है कि जो डीएनए, मतलब जिसने, जिस वायरस ने क्या किया था कि डीएनए कंटेन किया था, तो डीएनए कंटेन किया था, तो मीन्स क्या कह रहे हैं, डीएनए किससे मिलकर बना है, वो फॉस्फोरस से मिलकर बना है. तो इसलिए क्या कह रहा है कि इसने क्या किया था कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन किया था, ठीक है. अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं इसकी. देखो Hersey and Chang एक्सपेरिमेंट में आ गए, ये क्या है कि देखो बैक्टीरियोफाज है और बैक्टीरियोफाज की जो ये आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन कैप्सूल है. और ये प्रोटीन कैप्सूल किससे लेबर्ड है, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 से, ठीक है. और यहाँ पे क्या है कि मतलब ये भी सेकंड क्या है, बैक्टीरियोफाज है, जो इसका डीएनए है वो किसके साथ लेबल है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 35 के साथ, सॉरी 32 के साथ क्या है कि वो लेबल है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जो इकोलाई है, ठीक है, इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, वो लेंगे हम, उसमें क्या करवाएंगे, इन्फेक्शन करवाएंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इन्फेक्शन, सेकंड क्या आता है, ब्लेंडिंग, एंड लास्ट वन इस तक क्या आता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन. तो इन्फेक्शन में क्या किया कि हमने क्या लिया कि जो इकोलाई बैक्टीरिया लेंगे, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया में हमने क्या करवा दिया कि इन्फेक्शन करवा दिया. जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, मीन्स जरा सा प्रोसीड होता है, तो हम क्या करवा देते हैं, ब्लेंडिंग करवा देते हैं. ब्लेंडिंग में क्या होता है कि हम इन वायरल कोड्स होते हैं इनको क्या कर देते हैं कि रिमूव कर देते हैं. वायरल कोड्स को क्या हो गया, रिमूव हो गए, बट जो इनका जेनेटिक मटेरियल था वो क्या हो गया कि बैक्टीरिया के अंदर चला गया, ठीक है. नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जैसे कि हम दूध वगैरह नहीं पिलाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जैसे कि घी तो ऊपर आ जाता है, छाछ नीचे रह जाती है, ठीक है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो हैवी मटेरियल होगा वो तो क्या होगा कि नीचे रहेगा, ठीक है. और क्या कह रहा है कि जो लाइट मटेरियल होगा वो क्या करेगा कि ऊपर फ्लो करेगा, ठीक है. तो ब्लेंडिंग के बाद क्या है कि हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ कि जो प्रोटीन कैप्सूल थी, ठीक है, जो किसके साथ लेबल थी, सल्फर 35 के साथ लेबल थी, ठीक है. उसमें क्या हुआ कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो किसमें देखी गई, सुपरनेट में देखी गई. सुपरनेट देखो, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हैवी मेटल, हैवी मटेरियल को पैलेट बोलते हैं. जो लाइट मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि फ्लोट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर नैंट, ठीक है. तो अब क्या कहा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन वाले केस में किसमें देखी गई थी, सुपर नैंटेंट में देखी गई थी. बट जो मतलब क्या कह रहा है कि जो डीएनए वाला केस था, ठीक है, फॉस्फोरस वाला केस था,
उसने रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखी गई, पैलेट में देखी गई, मीन्स क्या कह रहा है कि सेल्स में देखी गई। तो ये कंक्लूजन निकाला कि लास्ट में जो ई कोलाई किससे मतलब इन्फेक्ट हो गया, बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट हो गया, मीन्स क्या कह रहा है कि वो क्या कर रहा है कि डीएनए कंटेन कर रहा है। इससे क्या पता लगा कि डीएनए क्या था, कि जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। सुन लो, बैक्टीरियोफेज था, ये क्या है, प्रोटीन कैप्सूल है, प्रोटीन कैप्सूल किससे लेबल है, रेडियो एक्टिव सल्फर से। उधर क्या है कि डीएनए है, डीएनए किसके साथ लेबल है, फॉस्फोरस से, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके आउटर कवरिंग मतलब क्या कह रहे हैं, सल्फर से क्यों लेवल है, बिकॉज क्या कह रहे हैं, प्रोटीन का एक कॉन्स्टिट्यूंट होता है क्या, सल्फर, और उधर क्या कह रहे हैं कि फॉस्फोरस, ठीक है। डीएनए किससे मेडअप होता है, फॉस्फोरस से मेडअप होता है। सेकंड क्या कह रहा है कि अब क्या आया कि हमारे पास इन्फेक्शन आया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्फेक्शन, तो हमने क्या लिया कि एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम क्या था कि ई कोलाई, हमने क्या करवाया कि इन्फेक्शन करवाया, ठीक है। जो इन्फेक्शन क्या हुआ कि जरा सा प्रोसीड हुआ तो फिर हमने क्या किया कि ब्लेंडिंग करवा दी। ब्लेंडिंग में क्या किया कि हमने वायरल कोर्स को क्या कर दिया कि रिमूव आउट कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप क्या है कि सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया कि मतलब हमने उनको सेंट्रीफ्यूग करवाया, ठीक है। तो क्या कहा कि जो प्रोटीन वाले केस में था, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड की गई ओनली सुपरनेडेंट में, ठीक है, और इसमें कहा रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करी गई पैलेट में। इसलिए क्या कहा कि जो डीएनए क्या था कि जेनेटिक मटेरियल था, और डीएनए क्या है कि हैवी वेट में, किसके कंपैरिजन में, प्रोटीन के कंपैरिजन। ये क्या था कि हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं किसकी, आरएनए वर्ल्ड की। तो मीन्स क्या आया कि भाई ये कहा गया कि जो आरएनए था वो क्या था कि मतलब सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था, मीन्स क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। तो आरएनए किसने आंसर दिया था, कुछ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज थी, ठीक है, स्लाइसिंग में हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो आरएनए को कहा क्या गया कि ये क्या है, कि कैटालिस्ट है, ठीक है। आरएनए को क्या कहा गया कि मतलब क्या है कि कैटालिस्ट है, मींस क्या कह रहा है कि कुछ रिएक्शंस को क्या करवा रहा है, कि प्रोसीड करवा रहा है, ठीक है। तो भाई कैटालिस्ट है, ठीक है, तो कैटालिस्ट है तो क्या होगा, रिएक्टिव भी होगा और अनस्टेबल था, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया है, जो डीएनए था, डीएनए कहाँ से आया है, आरएनए से आया है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया कि जो डीएनए है, डीएनए इवॉल्व हुआ कहाँ से, आरएनए से, ठीक है। तो डीएनए क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हुआ, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लो, आरएनए वर्ल्ड में क्या कहा गया था कि जो आरएनए था वो सबसे पहले क्या था कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, एज अ कैटालिस्ट, ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है, कुछ रिएक्शंस को क्या करवाता है, प्रोसीड करवाता है, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, स्प्लाइसिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। आरएनए क्या है कि कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है तो मीन्स क्या कह रहा है कि मीन्स क्या है कि ये रिएक्टिव है, और क्या कह रहा है कि ये अनस्टेबल है। इसलिए क्या कहा गया कि जो डीएनए था, डीएनए कहाँ से आया, कहाँ से इवॉल्व हुआ, आरएनए से। तो डीएनए क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब बात करते हैं किसकी, रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन में बता चुकी थी, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या होता है कि रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, और इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, रेप्लिकेस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है कि मतलब इसमें दो स्टेप होते हैं, वन इज द इनिशिएशन एंड सेकंड इज द इलोंगेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, तभी आगे जाकर क्या होगा कि डीएनए की नया डीएनए का क्या आएगा, स्ट्रैंड आएगा, ठीक है। तो क्या किया कि हमने ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, फिर हमने क्या लिया कि एक एंजाइम लिया जिसका नाम क्या था कि हेलिकेज। ये हेलिकेज क्या करता है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कर देगा, ऐसे ओपन कर देगा, ठीक है। ऐसे क्या कर देगा, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ओपन कर देगा, ठीक है। जब मतलब क्या हुआ कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओपन होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि टेंशन आ गया, टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हमने एक और एंजाइम लिया जिसका नाम क्या था कि टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज आने के बाद क्या होता है कि बिल्कुल इसका टेंशन क्या हो जाता है कि रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है कि जब स्प्रिंग को हम, जो स्प्रिंग होती है जिसको हम ऐसे खींचते हैं तो ठीक है उसमें क्या आ जाता है कि टेंशन आ जाती है। तो उसी तरह क्या हुआ कि जब हेलिकेज आया, हेलिकेज ने क्या किया कि डीएनए को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद क्या हुआ कि इसमें टेंशन आ गया, टेंशन करने के बाद हमने क्या किया, एक एंजाइम था, ठीक है, टोपो आइसोमरेज, ठीक है, वो आ गया, उसने क्या किया कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कर दिया था कि इसका टेंशन रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो एक सेकेंड स्टेप आता है कि इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होगा कि हम
जो आरएनए प्राइमर होता है, ठीक है, आरएनए प्राइमर को क्या करते हैं, यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है, आरएनए प्राइमर ऐड करते हैं, उसके बाद एक और एंजाइम आता है जिसका नाम क्या होता है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, क्या होता है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये क्या करता है, कैटेलाइज क्या करता है कि एडिशन ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, मींस जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका काम क्या होता है कि वो किसको कैटेलाइज कर रहा है, जो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, अब मान लो हमने आरएनए प्राइमर यूज कर दिया, ठीक है, तो देखो जो ये स्टैंड था इसके पास भी ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड थी और इसके पास जो आरएनए प्राइमर ऐड किया है इसके पास भी न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आया है इसका काम क्या था कि ये क्या करेगा, इन दोनों को जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड थी उसको क्या करेगा कि कैटेलाइज करेगा, ठीक है, मान लो कि हमारे पास क्या था, देखो ये हमने क्या किया कि डीएनए को ओपन कर रखा है, ठीक है, हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे आरएनए प्राइमर ऐड कर दें, जो आरएनए प्राइमर है उसके पास भी क्या है कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, मान लो जो आरएनए प्राइमर है उसके पास कौन सी सॉरी इसके पास क्या है, जो डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड था उसके पास कौन सी सीक्वेंस है, लगा लो ए है सी है टी है, तो जो आरएनए प्राइमर होगा उसके पास सीक्वेंस क्या मिलेंगे, ए के साथ में क्या आता है टी, जो सी होता है उसके साथ जी और क्या कह रहे हैं टी आएगा उसके साथ ए आएगा, ऐसे क्या होते हैं कि सीक्वेंस होती है, तो ठीक है, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा, इसको कैटेलाइज कर देगा जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड थी, ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि ओनली जो डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है, वो कौन से डायरेक्शन में होता है, 5' to 3' डायरेक्शन होता है, ठीक है, जो 3' to 5' स्टैंड होता है वो कौन सा होता है कि लैगिंग स्टैंड होता है, लैगिंग स्टैंड मीन्स क्या कह रहा है कि जो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो 5' to 3' क्या कह रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, अब देखो इधर तो मीन्स क्या कह रहा है कि ये ऐसे ऐसे पूरा क्या होगा कि सिंथेसाइज हो जाएगा, बट इसमें क्या कह रहा है कि बाहर कहां से आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि रुक रुक कर क्या हुआ कि जो डीएनए सिंथेसिस हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या बन गए कि जो फ्रेगमेंट्स बन गए और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वो कह जाए कि फ्रेगमेंट्स, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है उसको हमने उस स्टैंड को क्या नाम दिया, लैगिंग स्टैंड नाम दिया, जो डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा था उसको हमने क्या नाम दिया, लीडिंग स्टैंड, ठीक है, और जो क्या कह रहा है कि जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और जो 3' to 5' क्या है, लैगिंग स्टैंड है, और 5' to 3' क्या है कि लीडिंग स्टैंड है, ठीक है, ये क्या था कि रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है, अब बात करते हैं किसके ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, तो ट्रांसक्रिप्शन तो पता है डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, या हम ये बोल सकते हैं डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, तो प्रोकैरियोट्स का तो सभी को पता ही है, ये सिंगल सेल्ड होते हैं मीन्स यूनिसेलुलर होते हैं, और क्या होता है कि इसमें वो जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है, तब देखो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, वो तीन चीजें कंटेन करती है, एक तो क्या होता है प्रोमोटर होता है, सेकेंड क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर जीन होता है, थर्ड क्या कह रहा है कि टर्मिनेटर होता है, ठीक है, जो प्रोमोटर होता है, ठीक है, जो प्रोमोटर होता है वो क्या होती है कि जो इसकी ट्रांसक्रिप्शन की क्या होती है कि स्टार्टिंग साइट होती है, जो टर्मिनेटर होता है ये क्या होता है कि स्टॉप साइट होती है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दो स्टैंड होते हैं, वन इज द टेम्पलेट एंड अदर इज द कोडिंग स्टैंड, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो 3' to 5' स्टैंड है वो कैसा है, टेम्पलेट स्टैंड है, जो 5' to 3' है वो कैसा है, कोडिंग स्टैंड है, ठीक है, प्रोमोटर होगा यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्टिंग साइड होते हैं, जो टर्मिनेटर होता है वो क्या होते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टॉप साइड होते हैं, ठीक है, तो दो चीज आती है, एक तो आता है सिग्मा फैक्टर, एक आता है रो फैक्टर, जो सिग्मा फैक्टर आएगा वो कहाँ आएगा, प्रोमोटर के ऊपर आएगा, जो रो फैक्टर होता है वो कहाँ आएगा, टर्मिनेटर के ऊपर आएगा, ठीक है, अब देखो एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, वो जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज करता है और क्या करता है, पॉलीमराइज करता है, ठीक है, इन टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, ठीक है, देखो ये क्या है, हमारे पास डीएनए का स्टैंड था, मींस ये क्या है, प्रोमोटर साइड है, ठीक है, मान लो प्रोमोटर साइड है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आने के बाद क्या कह रहा है कि सिग्मा फैक्टर भी होता है, सिग्मा फैक्टर है हमारे पास, सिग्मा फैक्टर के पास क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है, ये क्या थे हमारे पास, प्रोमोटर साइट थी, प्रोमोटर साइट के ऊपर क्या है, सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर के पास क्या आया, आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या
किया कि जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज किया, कैसे यूज किया, एज ए सब्सट्रेट, और क्या किया, पोलमराइज किया। ठीक है, पोलमराइज कैसे किया कि टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में किया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग तो होगी, सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जो आरएनए है, ठीक है, पोलमराइज तो हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो आरएनए का सोर्स स्ट्रैंड था, ठीक है, सोर्स स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बाउंड टू एंजाइम। अब क्या कह रहा है कि जो छोटा सा पीस था आरएनए का, ठीक है, वो किसके साथ बाइंड हो गया, एंजाइम के साथ बाइंड हो गया। ये यहाँ पे क्या है, आरएनए पोलमराइज है। ठीक है, और इधर क्या होगा कि सिग्मा फैक्टर बाहर आ गया। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो टर्मिनेशन का होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि पोलमराइज रिचीज होती है, तो जो आरएनए होता है वो तो क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। उधर क्या कह रहे हैं कि आरएनए पोलमराइज, और हमें क्या मिल जाएगा, रो फैक्टर क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर कब आता है, सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर की साइड पे आता है। ठीक है, और जो रो फैक्टर होता है वो टर्मिनेटर की साइड पे आता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमारे पास सिग्मा फैक्टर था, वहां क्या आ गया, आरएनए पॉलीमरेज आ गया। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है कि एक एंजाइम होता है, उसने क्या यूज किया, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज किया एज ए सबस्ट्रेट, और किस फैशन में किया, टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि जब मतलब क्या थर्ड क्या कह रहा है कि जो छोटा सा पीस होता है किसका, आरएनए का, वो किसके साथ बाइंड हो जाता है। देखो हमारे पास क्या है, ये ब्लू ब्लू कलर में क्या है, आरएनए, जो पिंक पिंक कलर में क्या था कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज था। ठीक है, जब ये क्या होगा कि मतलब जो छोटा सा पीस था, ठीक है, सोर्स टेस्ट था आरएनए का, ये किसके साथ बाइंड हो गया, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज के साथ। थर्ड स्टेप क्या आता है कि टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या हुआ कि जब पॉलीमरेज रिचीज हो जाती है, ठीक है, पॉलीमरेज आ जाती है, तो जो आरएनए का मैसेंट था, ठीक है, मीन्स क्या कह रहे हैं, जो ये आरएनए था ये तो क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, और जो ये आरएनए पॉलीमरेज था, ठीक है, और क्या आ जाएगा हमारे पास, रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या करता है कि मतलब उसको तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको स्टॉप करता है। ठीक है, तो एक साइड तो हमारे पास क्या, फॉल ऑफ हो गया, आरएनए की चेन थी, मीन्स जो आरएनए मैसेंट था। सेकंड क्या कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे, और ये क्या था कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रो कैरियोट्स। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, तो अब किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स की। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन किसमें हो रहा है, यूकैरियोट्स में हो रहा है, तो क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो फर्स्ट क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो क्या कंटेन करता है, थ्री टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज कंटेन करता है। तो जो फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज आता है वो क्या ट्रांसक्राइब करता है, आर आरएनए, ठीक है, कौन कौन से, 28s को, 18s को, 5.8s को। जो ये एस होता है ये क्या होता है, सैडबर्ग यूनिट होती है। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, किसके ट्रांसक्रिप्शन में, टीआरएनए के और 5s आरएनए के। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, जो प्रीकर्सर होता है एमआरएनए को, ठीक है, उसको क्या कर रहा है कि ट्रांसक्राइब कर रहा है, और क्या कह रहा है कि जो ये क्या आ जाएगा, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए आ जाएगा। ठीक है, जो सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो क्या आती है, ठीक है, जो हमारे जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, एक्सोन भी कंटेन करते हैं और इंट्रोन भी कंटेन करते हैं। एक्सोन क्या होते हैं, कोडिंग स्टैंड होते हैं, जो इंट्रोन होते हैं वो क्या होते हैं कि नॉन कोडिंग स्टैंड होते हैं। ठीक है, तो मीन्स क्या हो रहा है, क्या कह रहा है कि तो हमें चाहिए क्या है, एक्सोन चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इंट्रोन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंट्रोन को रिमूव कर देंगे। इंट्रोन रिमूव किससे होंगे, स्प्लाइसिंग से होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है कि डीएनए है, डीएनए के साथ क्या कह रहा है कि आरएनए का पार्ट था। ठीक है, तो हम क्या कह रहा है कि इसमें देखो ये एक्सोन है, ये इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, तो हम क्या करवा देंगे, जो 5' एंड पे क्या होंगे, जो हम मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। ठीक है, जब हमने क्या किया कि जो मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करवाया तो क्या हुआ, तो ये हमने क्या कर दिया कि जो ये एंट्रोन हो इसको क्या कर दिया कि रिमूव आउट कर दिया। ठीक है, जो इसकी जो 3' एंड पे क्या किया कि जो पोली ए टेल बनाई, जो पोली ए टेल कैसे बनाई, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जो एडिनाइलेट एजुटर थे वो क्या कर दिए कि ऐड कर दिए। ठीक है, भाई हमारे पास क्या होगा कि इंट्रोन भी रिमूव हो गए और क्या आ गया कि जो 3' पे पोली ए टेल आ गई, मीन्स एडिनाइलेट रेजिड्यू आ गए। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या मिल जाता है, ये एक एमआरएनए मिल जाता है। ठीक है, ये क्या था, डीएनए था। डीएनए में क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि जो आरएनए है, ठीक है, आरएनए के पास क्या कह रहा है कि जो एक्सोन भी है, इंट्रोन भी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो हमें क्या चाहिए है, ओनली एक्सोन चाहिए, तो एक्सोन चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, 5' पे क्या करेंगे, कैपिंग करवाएं। कैपिंग क्या होती है कि मीन्स कि यहाँ पे हम क्या
निकलवा देंगे मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो इंट्रॉन होते हैं वो रिमूव आउट हो जाएंगे, जो थ्री प्राइम पे हम क्या करेंगे एडिनाइलेट रेसिड्यू को ऐड करवा देंगे और वो क्या बन जाएगी पॉलीएटेल, और हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक एमआरएनए आ जाएगा। ये क्या था कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स।